अपनी चैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट एडजस्टमेंट को लेकर है। यहाँ पर सेक्शन 16 सेक्शन 4 टाइम बार आईटीसी क्लेम को लेकर लेटेस्ट एडजस्टमेंट हो रहा है और उसमें जो है एसएससी को किस तरीके से रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को समझाया और ये वाली प्रॉब्लम जो है काफी सारे एसएससी के साथ आ रही है, क्या कि यहाँ पर जो है फाइनेंस एक्ट में इसको अमेंडमेंट बिल ला दिया गया है। सेक्शन 16 सेक्शन 5 जो है और सेक्शन 16 सेक्शन 6 जहाँ पर जो है रेलिवेंट अमेंडमेंट और रिलीफ की बात हो रही है। एक तरीके से एमनेस्टी स्कीम ये है कि टाइम बार्ड आईटीसी क्लेम आपको 30 नवंबर 2021 तक मिल जाएगा 4 सालों का, ठीक है। लेकिन अभी भी उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो अब उस नोटिस में किस तरीके से प्रोसीड हो यहाँ पर करें, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ पर जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। अब यहाँ पर ये लेटेस्ट एक और जजमेंट है और अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट से जजमेंट आ रहे हैं। तो ये काफ़ी टाइम बीत चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी जीएसटी की जब काउंसिल मीटिंग हुई थी 53rd, उसमें ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो है फाइनेंस एक्ट भी पास हो गया, लेकिन अभी तक भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी लेटेस्ट 54 मीटिंग है, उसमें भी रिकमेंडेशन फिर से गई है कि जल्दी से जल्दी इनके लिए सर्कुलर या फिर जो है नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। लेकिन ये स्टेट से मिलकर, क्योंकि एस जी एस टी एक्ट में भी रेलिवेंट अमेंडमेंट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये डिले हो रहा है। अब यहाँ पर जो है चैलेंज किया गया है 73 में ऑर्डर था, मैंने उसका आपको बताया दिया है 16-4 के रिगार्डिंग। आप मेन फैक्ट समझिएगा किस तरीके से 29 अप्रैल को ये इशू किया गया है DRC 07 में, डिमांड कन्फर्म की गई है। जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने सबमिट किया है कि सो कोज नोटिस उनके पास आया 23 अगस्त 2023 को, जिसमें जो है आईटीसी क्लेम के बारे में यहाँ पर बात की गई कि जी आपने जो है एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हुआ है और यहाँ पर जो अमाउंट है वो लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 64 लैक्स के अप्रोक्स के यहाँ पर डिमांड है, ठीक है, 63 to 64, जिसमें IGST के अमाउंट है, CGST के है, SGST के। और यहाँ पर जो ITC है उसमें इन्होंने कहा है कि जी आपको रिवर्स करना होगा, रेस्पेक्टिवली वर फाउंड रिवर्सेबल सिंस ITC क्लेम इन GST R3B वाज फाइल्ड आफ्टर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये कह रहे हैं कि जी आपने जो GST R3B फाइल किया है वो पर्टिकुलर डेट के बाद फाइल किया है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट ITC क्लेम करने की आप उसके बाद यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ITC अलाउड नहीं करेंगे, रिवर्स किया जाएगा। ही सबमिट दैट ऑल्दो द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग GST R3B वाज 20 अक्टूबर 2019, सैड GST R3B वाज फाइल्ड ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2019। 20 अक्टूबर डेट थी, 31 अक्टूबर को ही तो SSC ने फाइल की है, ज़्यादा डिले भी नहीं है। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च ये एक साथ इन्होंने कंसोलिडेट फाइल किया, दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 19 तक। ऐसे काफ़ी सारे SSC है जो कि इस टाइप की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ लोगों के तो ऑर्डर भी आ चुके हैं। जो ऑर्डर वाले केस हैं उनमें उनको अपील फाइल करना भी है, अपील फाइल करेंगे तभी तो आपकी जो अपील एक्सेप्ट होगी। उसमें ये चीज़ें जो सेक्शन 16 सेक्शन 5 या 6 है ये ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा, इसके लिए अभी यहाँ पर जो है ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो आपको उसके लिए फाइट करना होगा, अपील में जाना पड़ेगा। बाय प्लेसिंग बिफोर दिस कोर्ट द फाइनेंस बिल बिल नंबर 2 2024, बिल बीइंग ये पहले ओरिजिनल बिल आया था, उसके बाद सेकेंड बिल आया हुआ है जो कि यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जो प्रोविजन है उसमें प्रपोज है कि 16-4 में अमेंडमेंट होगा, जिसमें मैंने आपको बताया 16-5 और 16-6 ऑलरेडी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, फाइनेंस एक्ट भी बन चुका है, फाइनल पास भी हो चुका है, लेकिन GST में रेलिवेंट अमेंडमेंट नहीं आई है। सो एज टू एंटाइटल द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सैड एक्ट बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनी रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सैड एक्ट विच हैज बीन फाइल्ड अप टू 30th नवंबर 2021, इसमें दिया है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सालों के लिए रिलीफ प्रोवाइड की गई। इट इज सबमिटेड दैट दो द अफोरसाइड बिल इज येट टू बी मेड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये उस टाइम का जजमेंट है जब तक वो एक्ट फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन अब तो फाइनल भी हो चुका है। हाउएवर इट इज मोर लाइकली नोट दैट द बिल वुड बी पास्ड एंड वुड बिकम एन एक्ट, ठीक है, वंस द बिल इज पास्ड एंड बिकम्स एन एक्ट द पेटिशनर शैल बी एंटाइटल्ड, वो कह रहे हैं कि जी जब यह फाइनल पास हो जाएगा जब आपको इसके लिए एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। फाइनेंस एक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है लेकिन अभी भी रेलिवेंट अमेंडमेंट नहीं आई, तो GST डिपार्टमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो ये कह रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर की जी हमारे पास तो ऐसा GST डिपार्टमेंट से कोई भी ना तो इंस्ट्रक्शन आई है, ना ही नोटिफिकेशन, ना ही सर्कुलर, आप हमें ला के दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि फाइनेंस एक्ट की क्या वैलिडिटी है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर, वो GST से रिलेटेड हो या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, ये यहाँ पर जो है काफ़ी डिस्प्यूट वाला पॉइंट है कि फाइनेंस एक्ट की वैलिडिटी जो है जब तक वो एक्ट में रेलिवेंट अमेंडमेंट नहीं होती है तब तक वो नहीं मानी जाएगी।
अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सर बिल इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन अभी बिल को जो है एक्ट बनने में टाइम लगेगा। उन्होंने सबमिट किया कि ये जो ऑर्डर है ये अपीलेबल ऑर्डर है और यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हाउएवर इफ द कोर्ट इज इंक्लाइंड, अगर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आता है तो वो यहाँ पर बाध्य है उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है प्रोटेक्शन भी रख लीजिए। हैविंग हेड द लर्न काउंसिल अपीयर, दोनों पार्टीज की बात सुनते हुए यहाँ पर ये अमाउंट है 63,28,114 का है, वाज फाउंड टू बी रिवर्सेबल, ये जो है रिवर्सेबल के लिए लायबल है अगर ऑर्डर की बात करें तो। एज वुड अपीयर फ्रॉम द सोकोज नोटिस फॉर द रीजंस ऑफ पेटिशनर्स हैविंग अवेल्ड आईटीसी बाय द फाइलिंग GST R3B आफ्टर द लास्ट डेट। इन्होंने कहा कि रीजन ये है कि GST R3B आपने जो है पर्टिकुलर डेट के बाद फाइल किए। फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट की बात यहाँ पर हो रही है वो प्रपोज्ड है, अभी उसे प्रोविजन बनने में टाइम लगेगा ताकि इसका बेनिफिट जो है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को मिल सके, वो आर एंटाइटल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड ये जो आप कह रहे हैं 30 नवंबर तक कि 30 नवंबर 2021 तक जो भी फाइलिंग है उनके लिए आपको 4 साल का ITC मिलेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोर्ड बोर्ड पर्टेनिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, तो ये 4 साल हैं और जो आपका केस है वो 18-19 का। सिंस द पेटिशन एट फाइल रिटर्न 3B बिलेटेडली बट बिफोर 30 नवंबर 2021 से पहले फाइल किया है लेकिन 18-19 की इन्होंने बिलेटेडली किया, जो कि यहाँ पर मैंने आपकी बताया था 31 उन्होंने अक्टूबर को करी है। आई एम ऑफ द व्यू दैट, अब यहाँ पर समझिएगा, एट द पेटिशन एट दिस स्टेज पेटिशनर जो है वो इंट्रीम ऑर्डर के लिए तो लायबल है कि आप जो है अब यहाँ पर इंट्रीम ऑर्डर पास करा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो 73 में डिटरमाइन ऑलरेडी हो चुका है। सच इंट्रीम ऑर्डर इज नेसेसरी टू बी अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। Having it there too, but taking note of the fact that aforesaid finance bill is yet to be, ये बड़े यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये consider किया जा रहा था कि ये फाइनली पास नहीं होगा लेकिन ये ऑलरेडी बन चुका है। इट वुड बी प्रूडेंट टू दिस स्टेज टू डायरेक्ट द पेटिशनर टू सिक्योर एटलीस्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, उन्होंने कहा टैक्स का एक पर्टिकुलर पार्ट आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी आप इसका इस वाले एजमेंट ऑर्डर का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो है 25 लाख रुपीज़ जो है जमा करने की बात हुई है कि ये जमा करेंगे, उसके बाद जो है ये जो अमाउंट है उसको उनको कहा गया है कि वो जो है किसी भी नेशनलाइज बैंक में FD के रूप में रख सकते हैं इनका, जब तक कि फर्दर ऑनरेबल कोर्ट का कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता। देयर शैल बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये कंडीशनल ऑर्डर है जो कि डिपार्टमेंट जो है इसके बाद कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे SSC के अगेंस्ट में रिकवरी के रिगार्डिंग विद एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर जो कि इन्होंने पास किया हुआ है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। इफ द पेटिशनर कंप्लाई विद द डायरेक्शन एंट्री मोडर सेल कंटिन्यू, तो ये जो एंट्री मोडर है सितंबर तक की इसकी डेट दी है, सितंबर एंड तक यहाँ पर लगता है कोर्ट को कि सितंबर एंड तक ये फाइनली आई जाएंगी, तो वहाँ तक की इसको रिलीफ यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से दोनों पार्टीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड हुई है, डिपार्टमेंट का भी व्यू यहाँ पर रखते हुए सिक्योर किया गया है और SSC को भी यहाँ पर सिक्योरिटी मिली है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो एक तरीके से ये भी लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर है, आप इस वाले जजमेंट ऑर्डर को भी जरूर मेंशन करिएगा। उसके अलावा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो भी मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के इस वाले पॉइंट को लेकर भी काफ़ी सारे जजमेंट आ रहे हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अब जो है 1920 के बाद जो है 73 के अंदर 2021 के लिए भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखें, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। कोई भी कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट से आता है तो उस पर आप जो है रेस्पॉन्ड जरूर करें, जिससे कि आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप टाइमली चीज़ें करते हैं तो पेनल्टी वेवर के भी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये था लेटेस्ट वीडियो, इसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, आपको कैसे रिप्लाई करना है, अपील में जा रहे हैं तो अपील कैसे फाइल करनी है, उनके सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के लिंक में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कराना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें।